आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। भीषण सड़क हादसा, टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई, 14 यात्रियों की मौके पर मौत, 30 घायल। गाय को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गुरुवार को टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 घायल हैं। इनमें कई गंभीर हैं। सभी घायलों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया है। बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी, इसमें 60-70 यात्री थे। हादसा देवा इलाके में बबूरी गांव के पास तड़के 5 बजे के करीब हुआ। प्रशासन ने घायलों की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम नंबर 9454417464 जारी किया है। सीएमओ राम सिंह ने बताया कि हादसे में 12 पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की जान गई है। पुलिस ने बताया कि बस की स्पीड तेज थी और सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने में ट्रक और बस की टक्कर हुई है। हालांकि एक घायल महिला यात्री ने आरोप लगाया कि बस वाले शराब के नशे में थे, उसका इशारा ड्राइवर और कंडक्टर की तरफ था। जेसीबी की मदद से बस और ट्रक को अलग किया। बाराबंकी एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ट्रक में बालू लदी थी। मौके पर जेसीबी बुलाई गई, इसकी मदद से बस और ट्रक को अलग किया गया। कई शव और यात्री बुरी तरह से फंस गए थे। 14 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। गैस कटर से गाड़ियों को काट कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। घायल महिला बोली, बस वालों ने पी रखी थी शराब। बस में सवार महिला यात्री शारदा भी हादसे में जख्मी हुई है। उन्होंने बताया कि बस वाले ड्राइवर और कंडक्टर शराब पी रहे थे। उन लोगों ने दूसरों को शराब पीने से मना कर दिया था, लेकिन खुद चोरी से पी ली थी। सुबह अचानक हादसा हो गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद। हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने राहत कोष से हर एक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। आमने सामने हुई भिड़ंत में बस और ट्रक चकनाचूर हो गए। जेसीबी मंगाकर ट्रक और बस को अलग कराया गया। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद बस का अगला हिस्सा आधा अलग होकर बिखर गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इन्होंने रेस्क्यू में पुलिस की मदद भी की है।